हिमाचल प्रदेश की शक्तिपीठ नैना देवी में तेज बारिश से जीवन अस्त व्यस्त हो गया है। पहाड़ियां धुंध से ढकी हुई हैं, विजिबिलिटी कम हो गई है, दिन में भी गाड़ियों की लाइटें जलानी पड़ रही है। लेकिन श्रद्धालुओं और पर्यटकों के उत्साह में कोई कमी नहीं है। तेज बरसात के बावजूद छोटे छोटे बच्चे तिरपाल से ढक कर मां के दरबार में पहुंच रहे हैं। नैना देवी में इस बार रिकॉर्ड तोड़ बारिश दर्ज की गई है और यहाँ पर हर दूसरे तीसरे दिन तेज बारिश हो रही है, जिसके चलते पहाड़ियों पर भूस्खलन का खतरा भी बना हुआ है। लेकिन श्रद्धालुओं के उत्साह में कोई कमी नहीं है, जबकि मौसम विभाग के मुताबिक अभी आने वाले दिनों में और बरसात होने की संभावना है। हिमाचल के शक्तिपीठों में लगातार भारी बरसात हो रही है, धुंध भी भारी मात्रा में है और यात्रीगण भी बहुत संख्या में माता जी के दर्शन आशीर्वाद प्राप्त कर रहे हैं। पहाड़ी क्षेत्र होने के कारण भूस्खलन भी कई जगह हो रहा है, लेकिन PWD की सतर्कता से उसे बहुत जल्दी से जल्दी हटा के रास्ता बहुत जल्दी खोल दिया जाता है। जय माता। तुसी देख सकते हो कि मां से फलना पे बहुत ही बढ़िया बारिश हो रही है, धुंध भी पई हुई है, मौसम बेशुमार है। मां माई के प्यारे भगत फिर भी काफी गिनती दे विच तैनात दे विच जब मां माई के दर्शन कर रहे ने, सो सड़कां भी चल रही ने जगह जगह से, मतलब बिल्कुल सही तरीके दे नाल, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सो आप सबू मैं निम्रता सहित बेनती करता हाँ कि गर्मियों तो बचने के लिए बहुत बढ़िया स्थान ना कहे मंसूरी ना देहरादून, सिर्फ मां नैना देवी के दरबार पहुंचो, मां माई के दर्शन करो, शीश झुकाओ,